नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि आपको पता ही है कि सनराइजर्स हैदराबाद और RCB के बीच जो मैच हुआ उसमें बाजी RCB ने मारी। RCB ने सनराइजर्स हैदराबाद को 10 रनों से हरा दिया। बट मैच की विशेषता किसी की बैटिंग या बॉलिंग नहीं रही बल्कि इंजरीज रही। जी हाँ दोस्तों, सनराइजर्स हैदराबाद के 2 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके हैं मैच के दौरान। एक थे राशिद खान और दूसरे थे मिचेल मार्श, जिसमें सनराइजर्स को एक बड़ा धक्का जो मिलने वाला है वो होगा राशिद खान के रूप में। और राशिद खान ना ही बॉलिंग करते वक्त इंजर्ड हुए हैं, वो हुए इंजर्ड बैटिंग के वक्त। जब शिवम दुबे पारी का 17वां ओवर कर रहे थे तब राशिद खान ने 2 रन के लिए कॉल दिया। नॉन स्ट्राइकर एंड पे थे ऑलराउंडर अभिषेक शर्मा। पहला रन तो दोनों ने सही से पूरा कर लिया दोस्तों, बट दूसरे रन को जब वो दौड़ रहे थे तब दोनों की नज़र गेंद पे थी। दोनों एक दूसरे की तरफ देख नहीं रहे थे और दोनों का एक दूसरे के साथ टकराव हो गया। वो टकराव इतने ज़ोर से था कि राशिद खान वही ज़मीन पर गिर पड़े और अभिषेक शर्मा ने रनआउट हो गए। आप फोटोज़ में देख ही सकते हैं कि राशिद खान को कितना दर्द हो रहा है और वो लिटरली ज़मीन पर लेट गए हैं। उन्होंने वो रन कैसे तो भी कंप्लीट किया बट उसके आगे वो ज़्यादा बड़ी पारी नहीं खेल पाए। 6 रन के निजी स्कोर पे वो आउट हो गए। सूत्रों से पता चला है कि राशिद खान की इंजरी सीरियस हो सकती है और वो IPL से भी नॉकआउट हो सकते हैं। राशिद खान के कुछ टेस्ट और कुछ एक्सरे करवाए गए हैं जिन्होंने पता चल रहा है कि उनके कंधे में और पेट में कुछ समस्या है। उनके और कुछ टेस्ट के रिजल्ट आने बाकी है दोस्तों, बट देखने से लगता है कि इंजरी सीरियस है। हम आशा करते हैं पर कि ये इंजरी सीरियस ना हो और कुछ मैचों के बाद हम राशिद खान को फिर से ऑन फील्ड देख पाए। उससे पहले जब मिचेल मार्श पारी का अपना 5वां ओवर लेके आए थे तभी मिचेल मार्श का घुटना मुड़ गया और वो भी इंजर्ड हो गए। वो अपना वो ओवर तक कंप्लीट नहीं कर पाए और उन्होंने सिर्फ 4 गेंदें डाली। उसके बाद जो 2 गेंदें थी वो विजय शंकर ने कंप्लीट की। और जब मिचेल मार्श बैटिंग के लिए आए तब भी उनकी हालत देखने जैसी नहीं थी। शायद यही एक कारण हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद RCB के रन चेज में बहुत पीछे रह गई। तो दोस्तों, हम आशा करते हैं कि राशिद खान और मिचेल मार्श दोनों की इंजरी ज़्यादा बुरी ना हो और कुछ दिनों बाद हम इनको ऑन फील्ड देख पाए। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।